ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचिता समं भाति द्रव्यवयजनिलसन्तोतरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटनपरो भानुरिवयो स्वामी नयन पथ गा भो में महावीर स्वामी नयन पथ गामी भव में परम आराध्य परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य भगवन के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की असीम एवं अनंत आस्थाओं सहित कोटिश्य वंदन करने के उपरान्त उपस्थित धर्मानुरागियों पूजनीय गुरुदेव श्री जी की असीम अनुकंपा से उन्हीं द्वारा दिए गए ज्ञान चिंतन बिंदुओं एवं मार्गदर्शन के आधार पर आपको स्मरण होगा कल हम साधना का मार्ग सरलता इस बारे में कुछ परिचर्चा करने का प्रयत्न कर रहे थे स्थानांग सूत्र के चतुर्थ स्थानक में भगवान महावीर ने एक चौभंगी का आश्रय लेते हुए चार प्रकार के मार्गों का उल्लेख किया है चार प्रकार के मार्गों की तरह चार किस्म के मनुष्य भी बताए गए हैं मार्ग जो चार प्रकार के हैं उनमें से एक मार्ग शुरू से लेकर अंत तक सीधा और सपाट होता है दूसरा आरंभ में तो सीधा स्ट्रेट होता है किंतु आगे जाकर टेढ़ा मेढ़ा जिग जैग हो जाता है तीसरा रास्ता शुरू में टेढ़ा मेढ़ा वक्र क्रूकट दिखाई देता है किंतु कुछ दूरी तय करने पर आगे जाकर वह बिल्कुल सीधा सपाट और आसानी से गमन करने योग्य बन जाता है और चौथे प्रकार का रास्ता शुरू से लेकर आखिर तक कुटिल वक्र और टेढ़ा बना रहता है जिस पर चलने वाले मुसाफिर को अनेक तकलीफें और कष्ट उठाने पड़ते हैं इसी तरह मनुष्यों के चार भेद चार क्लासिफिकेशंस की गई हैं प्रथम श्रेणी और कैटेगरी में जो मनुष्य आते हैं वे अत्यंत सरल प्रकृति के होते हैं कपट और कुटिलता उनके हृदय में स्थान नहीं पाते जैसा उनका हृदय सरल निर्मल और स्वच्छ होता है उसी के अनुरूप उनके आचरण और व्यवहार भी होता है बाह्य और अभ्यंतर यानी इंटरनल और एक्सटर्नल रूप में वे अत्यधिक सरल निष्कपट और वक्रता रहित होते हैं किसी भी व्यक्ति और साधक का जीवन साधना भले ही उच्च क्यों ना दिखाई दे रही हो भले ही उसमें त्याग की मात्रा कम हो किंतु अगर उसके हृदय में सरलता है तो वह सबके दिलों में सबके मनों में अपना स्थान बना लेगा मनुष्य का हृदय स्वाभाविक रूप से सरल और सिंपल होता है किंतु उसमें कपट और कषायों की मलिनता बाहरी वातावरण और संस्कारों के प्रभाव से आ जाती है आपको स्मरण होगा कि कल हम धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन के उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयत्न कर रहे थे कि किस तरह सच्चे और सरल होने की वजह से युधिष्ठिर ने अपनी जीवन रक्षा का उपाय पूछने हेतु अपने पास आने पर पा अपने घोर विरोधी अपने प्राणों के प्यासे और अपने सारे परिवार के अनर्थ और अनिष्ट की कामना रखने वाले दुर्योधन को भी प्राण रक्षा का उपाय और माध्यम बता दिया था बंधुओं इस कथानक में समझने लायक बात तो यह है कि हालांकि दुर्योधन महाकुटिल महादुर्जन और दुष्ट प्रकृति का इंसान था किंतु फिर भी सच्चाई और सरलता होने के कारण उसे धर्मपुत्र युधिष्ठर पर पूरा यकीन और विश्वास था इसीलिए अपने जीवन की रक्षा का कोई अन्य उपाय अपनी बुद्धि में ना आते हुए देखकर वह प्रतिद्वंद्वी प्रतिपक्षी और विरोधी होते हुए भी निसंकोच जीवन रक्षा का उपाय पूछने के लिए धर्मपुत्र युधिष्ठिर के पास चला गया था इस कथानक से स्पष्ट हो जाता है कि सरल हृदय वाला व्यक्ति सभी के विश्वास और भरोसे के काबिल बन जाता है सभी उस पर आंख मूंदकर यकीन और एतबार कर सकते हैं सच्चाई सरलता पर ही आधारित होती है जो पुरुष सत्यवादी होता है उसके हृदय में सरलता अपनी जगह और अपना स्थान बना लेती है मानव समाज तभी स्थिर स्टेबल और टिकाऊ रह सकता है जबकि सच्चाई विद्यमान रहे इसके विपरीत जहाँ कपट होता है जहाँ दूसरों को ठगने की भावना रहती है जहाँ दूसरों का नुकसान करने की नीयत व्यक्ति के मन में आ जाती है तो फिर धोखेबाजी फरेब और मक्कारी जैसे दुर्गुण अपने आप ही वहाँ पर आ जाते हैं और ऐसी स्थिति में संसार का विनाश और बर्बादी चाहे ना भी हो किंतु फिर भी वह नरक और हेल में तब्दील तो जरूर हो ही जाया करता है इसीलिए तो महानीतिज्ञ चाणक्य सत्य का महत्व बताते हुए कहते हैं कि सत्य ने सारी दुनिया को अपने पर टिकाया हुआ है सत्येन वाति वायुष्य सत्येन तपते रवि सत्येन धार्यते पृथ्वी सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम सत्य की ताकत से हवा बहती है जिसके बहने से लोगों को ऑक्सीजन मिलती है और उनकी प्राण रक्षा हो पाती है सत्य की ताकत से सूर्य चमकता है जो सारी धरती को सरसब्ज करता है रोशनी प्रकाश फैलाने का कार्य करता है सत्य ने सारी धरती को धारण किया हुआ है अधिक क्या कहा जाए सब कुछ सत्य पर ही आधारित और अवलंबित है सत्य का उल्लंघन करने से सारे समाज को नुकसान उठाना पड़ता है और बर्बादी की भूमिका तैयार हो जाती है सब कुछ खत्म होने की नौबत भी आ सकती है अंग्रेज दार्शनिक एमरसन ने कहा है एवरी वायलेशन ऑफ ट्रूथ इज ए स्टैब एट द हेल्थ ऑफ ह्यूमन सोसाइटी सत्य का प्रत्येक उल्लंघन मानव समाज में छुरी भोंकने के समान है व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि जहाँ सत्य होता है उस व्यक्ति में बहुत शक्ति और ताकत आ जाती है सच्चा पुरुष अत्यंत ईमानदार होता है उसका मुकाबला एक मेधावी इंटेलिजेंट और बुद्धिमान इंसान भी हरगिज़ नहीं कर सकता सच्चाई और ईमानदारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ये दोनों अन्योन्या आश्रित हैं एक दूसरे पर टिके हुए हैं जहाँ सच्चाई है वही ईमानदारी है जहाँ ईमानदारी है वहीं सच्चाई का निवास होता है और जहाँ सच्चाई नहीं होती वहाँ ईमानदारी और प्रामाणिकता भी कदापि टिक नहीं सकती है और ऐसे व्यक्ति का जीवन ना तो अपने लिए कल्याणकारी बनता है और ना ही वह दूसरों के लिए किसी तरह से उपयोगी और यूजफुल बन जाता है कहने का आशय और अभिप्राय यही है कि प्रथम श्रेणी फर्स्ट कैटेगरी के महापुरुष बाह्य और अभ्यंतर दोनों रूपों में अत्यंत सरल और सिंपल होते हैं वे पूर्ण प्रामाणिक होते हैं क्योंकि वे हमेशा सच्चाई सत्य और ट्रूथ पर डटे रहते हैं ऐसे पुरुष ही इस लोक में यश और विश्वास इज्जत प्रतिष्ठा और रेपुटेशन को अर्जित करते हैं इस लोक के उपरांत मोक्ष मुक्ति और परम पद प्राप्त कर पाना भी उनके लिए मुमकिन होता है वे मोक्ष के भी अधिकारी बन जाते हैं इसी आशय से कहा गया है सच्चम जसस मूलम सच्चम विश्वास कारणम सच्चम सगदारम सच्चम सिद्धि सोपानम सत्य यश का मूल है सत्य ही विश्वास का कारण है सत्य ही स्वर्ग का सोपान स्वर्ग की सीढ़ी है और सत्य ही सिद्धि तक पहुँचाने वाली सीढ़ी मानी जा सकती है यही स्वर्ग का द्वार है यानी सच्चाई के आधार पर सब कुछ प्राप्त करना मुमकिन और संभव है एक बार भगवान ऋषभ देव के शिष्य भिक्षार्थ जाने पर रोजाना की अपेक्षा कुछ विलंब और देरी से अपने स्थान पर वापिस लौटे उन्हें देर से आया हुआ देखकर भगवान ने उनसे देरी और डिले का कारण पूछा शिष्यों ने बिना किसी कपट के सरलता पूर्वक निवेदन किया प्रभो मार्ग में नट का नृत्य हो रहा था हम उसे देखने के लिए वहाँ पर रुक गए थे जिस कारण हमें आने में कुछ देरी और विलंब हो गया है भगवान ने उन्हें समझाते हुए कहा जैन शासन में साधु के लिए नाटक तमाशा देखना वर्जित है अतः तुमने इस तरह दोष का सेवन किया है अतः इसका प्रायश्चित करो और भविष्य में नाटक देखने का प्रत्याख्यान और पचखान कर लो शिष्यों ने नतमस्तक होकर सिर झुकाकर प्रभु की आज्ञा स्वीकार कर ली दूसरे दिन भिक्षा हेतु जाने पर वे फिर अगले दिन दोबारा देरी से वापस लौटे प्रभु ने जब दोबारा उन्हें देर से आया हुआ देखा तो फिर उनसे देरी और डिले का कारण पूछा शिष्यों ने नम्रता पूर्वक निवेदन किया प्रभु आज हम मार्ग में नटी का नृत्य देखने लग गए थे जिस कारण हमें आने में कुछ देरी हो गई है प्रभु अपने शिष्यों की ऐसी विनम्रता से भरी हुई बातों को देखकर भीतर ही भीतर तो पुलकित हुए किंतु उन्हें समझाने की भावना से उन्होंने कठोरता पूर्वक अनुशासन डिसिप्लिन के शब्दों में कहा अभी कल ही तो मैंने तुम्हें नाटक देखने से मना किया था इतनी जल्दी तुम मेरी बात भूल गए और आज दोबारा नाटक देखने में मशगूल हो गए शिष्यों ने बड़ी नम्रता से विनीत स्वर में कहा भगवान कल आपने नट का नृत्य देखने से मना किया था जिस कारण आज हमने नट का नृत्य नहीं देखा हम तो नटी का नृत्य ही देखकर आ गए हैं अगर यह भी अपराध हो तो हमें क्षमा कीजिए भविष्य में हम किसी भी प्रकार का नृत्य नाच तमाशा बिल्कुल भी नहीं देखेंगे गुरु अपने भोले भाले शिष्यों की सरलता भरी जड़ता को देखकर मुस्कुराने लगे और बोले भोले वत्सों नट के नृत्य के निषेध में नटी के नृत्य का निषेध भी उपलक्षण से समझ लेना चाहिए अस्तु यह भी दोष है इसके लिए भी प्रायश्चित करके अपनी आत्मा को निर्मल और पवित्र करो और भविष्य में ऐसे दोष का सेवन पुनः ना करने का संकल्प करके अपने चारित्र की शुद्धि करके दोष के लिए प्रायश्चित पश्चाताप यथाचित कर्म करते हुए भविष्य के लिए अपने संकल्प को पुनः सुदृढ़ और मजबूत करो शिष्यों ने सिर झुकाकर नम्रता पूर्वक गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया उन्होंने हृदय पूर्वक पश्चाताप किया और भविष्य में फिर कभी भी नाटक ना देखने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली यह उस वक्त और उस समय का एग्जाम्पल उदाहरण है जब लोगों की प्रकृति फितरत और नेचर में वक्रता कुटिलता हेराफेरी और मक्कारी नहीं होती थी शिष्यों ने लोलुपता से नृत्य नहीं देखा था बल्कि वे तो भोलेपन से और सहज भाव में नृत्य देखने लग गए थे इसीलिए बिना कोई बहाना एक्सक्यूज बनाए बिना किसी लाग लपेट के बिना शब्दों को तोड़े मरोड़े बिल्कुल साफ स्पष्ट तरीके से उन्होंने अपने द्वारा सेवित बुराई को भी अपने गुरु के सम्मुख प्रकाशित और प्रकट कर दिया ऐसे शिष्य ही सच्चे साधक बनकर सिद्धि और सफलता को प्राप्त करते हैं जो शिष्य ज्ञानवान होकर भी कपटी और वक्र होते हैं क्रुकड़नेस जिनके हृदय में बनी रहती है उनका उद्धार और कल्याण होना कदापि मुमकिन और संभव नहीं होता उनके कल्याण की कोई भूल कर भी संभावना नहीं की जा सकती उनके लिए कल्याण असंभव इम्पॉसिबल और नामुमकिन है इसीलिए तो कहा गया है मूर्खा वरा निष्कपटा साधवो ये भवंती थे आलोचयंती गुरुवस्थे यथा नाटक पश्य का शिष्य भले ही मूरख नादान हो किंतु वह निष्कपट और कुटिलता से रहित क्रूकनेस से शून्य होना चाहिए ऐसे ही शिष्य गुरु के सम्मुख अपने दोषों का सरलता पूर्वक कथन करके अपने पापों की आत्मनिंदा गरहा आलोचना और प्रतिक्रमण करके स्वयं को शुद्ध और पवित्र कर लेते हैं अपने आचार की शुद्धि कर पाने में कामयाब होते हैं जैसे नट और नटी का नाटक देखने वाले शिष्यों ने अपने भूल और गलती को कन्फेस्ट और स्वीकार करके अपने अंत्यकरण को उज्जवल और पवित्र बना लिया था चौभंगी के अनुसार दूसरी श्रेणी और कैटेगरी के मनुष्य वे होते हैं जो ऊपर से तो सीधे सरल और सिंपल दिखाई देते हैं किंतु अंदर से बहुत कुटिल छलिए होते हैं वक्रता क्रुकनेस हेराफेरी मक्कारी ट्रेचरी और दूसरों को ठगने की भावना उनके अंत्यकरण में हमेशा बनी रहती है ऐसे व्यक्ति बड़े खतरनाक किस्म के होते हैं मुंह में राम राम बगल में छुरी वाली कहावत को हमेशा चरितार्थ करने का प्रयत्न करते हैं उनका आचरण और व्यवहार भले ही शुद्ध और मित्रतापूर्ण दिखाई देता हो किंतु अवसर प्राप्त होते ही मौका मिलते अपॉर्चुनिटी अटेन होते ही वे स्वार्थपूर्ति के लिए अपने हितैषी मित्र का भी गला घोंटने से उस पर भी छुरा घोंपने से कोई संकोच नहीं करते अपने छोटे से फ़ायदे के लिए अपने सहयोगी का बड़े से बड़ा नुकसान कर पाना भी उन्हें गवारा होता है ऐसा करते हुए भी उनकी आत्मा कदापि कांपती नहीं है जो व्यक्ति बाहर से सरल दिखाई देते हैं किंतु हृदय से अंत्यकरण से वक्र होते हैं वे भले ही साधु पुरुष भी क्यों ना हो और उनकी बाह्य क्रियाएं कितनी भी साधना में साधना से ओत प्रोत भी क्यों ना दिखाई देती हो किंतु उन्हें अपनी उस क्रिया का और उस साधना का यथेष्ट समुचित और मनमाफिक फायदा और लाभ किसी सूरत और किसी भी दशा में नहीं मिल सकता है व्यवहार के क्षेत्र में और धर्म के क्षेत्र में मन की भावना नियत और इंटेंशन का ही मूल्य होता है कोई भी कार्य किया जाए उस किए जाने वाले कार्य के बजाय उसके पीछे रहने वाली भावना का ज़्यादा मोल और ज़्यादा कीमत होती है जो काम शुद्ध मन से पवित्र अंत्यकरण से किया जाता है वह देखने में छोटा और हीन तुच्छ क्यों ना हो किंतु उसका फल महत्वपूर्ण होता है और बड़े से बड़ा दिखाई देने वाला काम भी अगर हीन भावना से किया जाए उसे करते समय नियत और भावना अच्छी ना हो तो उसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं होती हृदय की वक्रता भावनाओं को दूषित कर देती है इसमें लोभ और स्वार्थ की कुटिलता हमेशा छिपी रहती है ऐसे व्यक्ति बाहर से कितने दिलकश लुभावने आकर्षक प्लीजिंग फैसिनेटिंग पर्सनैलिटी के क्यों दिखाई देते हों किंतु अंदर से ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं उनकी छाया से भी बचकर रहना चाहिए तभी तो कहा गया है मन मलीन, तन सुंदर ऐसे विचरस भरा कनक घट जैसे स्वर्ण के घड़े में अगर जहर डाल दिया जाए भर दिया जाए तो उस घड़े की क्या कीमत क्या मूल्य हो सकता है कुछ भी तो नहीं क्योंकि पीने पर वह घड़ा किसी को जीवन दान नहीं देगा बल्कि दूसरे की जीवन लीला समाप्त करने के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी बन जाएगा बहुत से लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो बाहर से तो साधना में जीवन जीने का दिखावा और ढोंग करते हैं किंतु उनके अंतरंग में कपत हेराफेरी और मक्कारी का भाव भरा रहता है ऐसा आचरण अत्यंत दूषित घटिया और तुच्छ किस्म का होता है ऐसे वक्राचारी लोग स्वयं नरक के अतिथि और मेहमान बनते हैं और जन समाज को भी पब्लिक माइंड को भी वे पतन के मार्ग पर धकेलने और पतन के गड्ढे में गिराने का कार्य करते हैं ऐसे व्यक्ति दम्ब ढोंग पाखंड और स्वांग का अवलंबन सहारा लेकर साधु समाज को भी कलंकित और दूषित करने का प्रयत्न करते हैं क्योंकि व्यक्ति भले ही साधु और सन्यासी भी क्यों ना बन जाए किंतु अगर उसके अंत्यकरण में कपट है तो भगवान महावीर फरमाते हैं कि ऐसे कपटी की कदापि शुद्धि नहीं हो सकती और सदगति प्राप्त कर पाना उसके लिए कदापि मुमकिन और संभव नहीं हो सकता साधु का वेश यूनिफॉर्म धारण कर लेने पर भी अगर धन की लालसा विषयों की अभिलाषा ना घटी ना मिटी रस लोलुपता का शय ना हुआ तो समझ लीजिए इससे बढ़कर विडंबना दुनिया में और कोई भी नहीं हो सकती सच्चा साधु तो वह है जो अपने पवित्र वेश के मुताबिक अपने हृदय को अपनी भावनाओं को भी पवित्र और श्रेष्ठ बनाता है और अत्यंत विरक्ति और संतोष की भावनाओं को परम पूर्वक धारण करने का प्रयत्न करता है मणि को भी तृण तिनके के समान निस्सार समझता है धन संपत्ति की जिसकी दृष्टि में कोई कीमत नहीं होती उसके मन में दूसरों को ठगने और धोखा देने की कोई इंटेंशन कोई भावना नहीं होती पूजा और प्रतिष्ठा की आकांक्षा हसरत से भी वह ऊपर उठ जाता है जो निरंतर अपनी ही आत्मा में रमन करता है और इस तरह आत्मा राम आत्मा में रमन करने वाला साधक बन जाता है वह संसार में इस तरह अलिप्त अछूता डिटैच्ड और अनासक्त होकर रहता है जिस तरह कमल कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से अलिप्त और अछूता होकर ऊपर खिला रहता है अपनी खुशबू और सुंदरता से सभी की आँखों को तरावट और ताजगी देने के साथ साथ आसपास खुशबू और महक फैलाने का कार्य भी करता है नीतिकारों को कहना है तेरे भावे जो करे तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार अगर व्यक्ति अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता है तो उसे अपनी आत्मा की ही शुद्धि करनी चाहिए अपने हृदय को बाहरी कलुष से मिटाने की चेष्टा और पर्यटन करना चाहिए अपनी वेशभूषा से किसी को धोखे में नहीं डालना चाहिए बल्कि अपनी भूलों अपनी त्रुटियों अपनी गलतियों को सच्चे हृदय से स्वीकार करके उन्हें मिटाने छोड़ने और दूर करने के पर्यटन को हमेशा चालू रखना चाहिए क्योंकि जब तक आप छदमस्त हैं जब तक आपने अष्टविध कर्मों को समाप्त नहीं किया तब तक आपके जीवन में दोष अवगुण और त्रुटियाँ स्वाभाविक रूप से रहती हैं लोगों की तारीफ और प्रशंसा सुनकर अपने आप को महापुरुष समझ कर फूल कर कुप्पा हो जाना उचित नहीं है बल्कि अपने अंत्यकरण को अच्छी तरह से देखकर अपनी गलतियों को रिकॉग्नाइज करके उन्हें छोड़कर सद्गुणों और अच्छाइयों को अपने अंत्यकरण में टिकाने का प्रयास और प्रयत्न हमेशा करते रहना चाहिए कपटी और मन का वक्र व्यक्ति हमेशा दूसरों को छलावे और भुलावे में डालने का प्रयत्न करता है और इस चेष्टा पर्यटन में लगा रहने के कारण ना तो वह गुणों को ग्रहण कर पाता है क्योंकि उसमें गुण ग्राहक दृष्टि ही नहीं होती और ना ही वह अपने ज्ञान में बढ़ोतरी तरक्की और विकास ही कर पाता है यानी तरक्की कर पाना उसके लिए संभव नहीं होता यदि कोई शिष्य अपने गुरु से ज्ञान तो हासिल करना चाहता है किंतु अगर कपट उसके अंत्यकरण में है तो वह कदापि सफल साधक नहीं बन सकता और न ही गुरु के ज्ञान को सही और समुचित रूप से ग्रहण कर पाना अंगीकार कर पाना उसके लिए संभव होता है उसके हृदय में विनय और श्रद्धा का अभाव शॉर्टेज रहती है जिस कारण वह हर बात में बाल की खाल निकालने का छीछा लेदर करने का प्रयत्न करता है अपने तर्क के द्वारा तरक देकर के वह दूसरे की बात को नकारने की चेष्टा में हमेशा लगा रहता है जो हृदय कोरे कागज ब्लैंक पेपर की तरह निर्मल उज्जवल और पवित्र होता है उसी पर ज्ञान अंकित हो सकता है किंतु जब कपट का चिकनापन ऊपर फिर जाता है तो गुरु कितना भी अच्छे से अच्छा बढ़िया से बढ़िया जीवन का रूपांतरण करने वाला उपदेश और शिक्षा भी क्यों ना दें किंतु उसका समुचित लाभ और फायदा नहीं हो पाता और वह ज्ञान भी व्यक्ति के हृदय पर स्थायी रूप से अंकित नहीं हो पाता टिकने का सवाल भी पैदा नहीं होता जहाँ सरलता रहती है वहाँ निर्भयता और निश्चिंतता का वास होता है अत्यंत शांति वहाँ पर पसरी रहती है धोखेबाजी ठगाई का कोई डर कोई भय नहीं होता व्यक्ति हमेशा निशंक बना रहता है इसके विपरीत जहाँ कपट रहता है जहाँ कपट अपना डेरा जमा लेता है वहाँ मित्रों की मित्रता में खटास पड़ जाती है और मित्र भी यह कहते हुए उसे छोड़कर चले जाते हैं कबीरा तहा न जाइए कबीरा तहा न जाइए जहाँ कपट का हेत जानो कली अनार की तन राता मन श्वेत जिस तरह अनार की कली बाहर और भीतर से अलग अलग होती है बाहर से वह लाल रंग की होती है किंतु भीतर से सफ़ेद होती है इसी तरह कपटी लोग गिरगिट की तरह रंग बदलने का कार्य करते हैं पल में कुछ हैं पल में कुछ और ही रूप धारण कर लेते हैं कहने का आशय तात्पर्य और अभिप्राय यही है कि कपट के कारण मित्रों में रिश्तेदारों में नातेदारों में नज़दीकी लोगों में आत्मियता पूर्ण संबंध रखने वालों के हृदय में भी दीवार और वाल खड़ी हो जाती है सारे स्नेह भाव अपनेपन और आत्मीयता के भाव तिरोहित हो जाते हैं विलीन हो जाते हैं कपटी लोगों से सभी सजग और सावधान होकर रहना चाहते हैं इसीलिए तो जैन आगमों में भी कहा गया है जय जय वंचई लोयम माई लो कूड़ी वचिंग तहा तहा बंधी नई मलंग यानी ज्यो ज्यो मायावी कपटी मक्कार व्यक्ति अपने कूट कपट युक्त वचनों से दूसरों को धोखा देता है ठगता है तहा तह ता संचनई मलम बंदई भव सायरम घोरम क्यों त्यों, त्यों, त्यों वे कर्म मल को कर्मों की मैल को ज्यादा से ज़्यादा इकट्ठा और संचित करता है और घोर संसार भ्रमण में भटकने के लिए मजबूर हो जाता है क्योंकि वह आवागमन के लिए आवश्यक पाथे कपट के द्वारा इकट्ठा कर लेता है यानी आवागमन में रुलाने और भटकाने वाली अगर कोई पूंजी है तो वह आपके हृदय में रहने वाला कपट और मक्कारी का भाव है जो लोग कपट इकट्ठा कर लेते हैं उन्हें बहुत लंबे समय तक आवागमन ट्रांसमाइग्रेशन में चौरासी लाख योनियों में भटकना पड़ता है नाना प्रकार के दुख तकलीफ़ें और कष्ट उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है शेष दो प्रकार के मनुष्यों के बारे में हम गुरु कृपा से आगामी प्रवचन में कुछ समझने का प्रयत्न करेंगे बस आज इतना ही और अधिक नहीं ओम शांति ओम शांति ओम शांति